दोस्तों सत्तू जो होता है वो बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल फूड होता है। ये आज से नहीं सदियों से इस्तेमाल हो रहा है भारतीय घरों में और सत्तू के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बट आज के डेट पे जहाँ पे मार्केटिंग इतनी ज़्यादा होती है और ऐसे जो फूड होते हैं जिसकी अच्छे से मार्केटिंग नहीं की जाती, तो इसीलिए ये आजकल हमारे डाइट से बाहर होता जा रहा है। काफ़ी लोग सत्तू को अवॉइड करते हैं जबकि ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली वर्सटाइल ये फूड है और इसके कई बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी के बारे में। दोस्तों सत्तू जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है, इसीलिए थोड़े से सत्तू खाने से ही हमारी पेट बहुत जल्दी भर जाती है और ये प्रोटीन रिच फूड होने की वजह से अक्सर हमें ये फुलनेस फील होती है। इसके अलावा दोस्तों धीरे धीरे इतनी गर्मी बढ़ रही है और सत्तू जो होता है वो काफ़ी ठंडक देता है हमारी बॉडी को, हमारे पेट को। और ये जो ठंडक होती है ना, बहुत बार एसिडिटी, ब्लोटिंग और ओवरहीटनेस से हमें बचाता है। बॉडी को ठंडक देने के साथ साथ दोस्तों डिहाइड्रेशन जैसे प्रॉब्लम से भी हमें रिलीफ देता है। सत्तू में प्रोटीन, फैट और ढेरों मात्रा में कैलोरीज होती है जो हमारे इंस्टेंट एनर्जी के लिए, इसके साथ साथ फुलनेस के लिए और हमारे एपिटाइट को मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा काम करता है। दोस्तों इसमें पाए जाने वाला फाइबर हमारे हाजमे को ठीक रखता है और हमारे पेट को भी साफ रखता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम या फिर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से हम दूर रहते हैं। दोस्तों ये प्रोटीन रिच फूड होने की वजह से हमारे बालों के लिए भी काफी अच्छा साबित होता है। हमारे बालों की जो जड़ें होती है उसमें मजबूती आती है और खास तौर से ये इतना वर्सटाइल फूड है कि बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्तू वर्सटाइल होने की वजह से आप इसके लड्डू बना के खा सकते हो, आप इसका शरबत बना के खा सकते हो। नॉर्मली आप ये ट्रेडिशनल फूड है हमारे बंगाली घरों में कि हम मुरमुरे के साथ सत्तू को मिला के इसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ी सी हल्की सी नमक मिला के इसको हम नॉर्मली स्नैक्स टाइम पे या फिर मॉर्निंग के टाइम पे, अगर हमें कुछ ज़्यादा भारी खाने का मन ना करे तो हम ब्रेकफास्ट में भी इसको खाते हैं। ये हमारे बंगाली कल्चर में बहुत ही फेमस है। आई डोंट नो, बाहर में भी शायद ये काफ़ी फेमस होता होगा, काफ़ी लोग इसको खाते हैं। तो आप सत्तू को अपने फॉर्म में ले सकते हो। सत्तू का शरबत भी कई तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे कि आप इसमें अनियन, चॉप्ड अनियन जो होता है, या फिर आप इसको चिली भी इसके में डाल के, कोरिएंडर लीफ या फिर पुदीना, जो भी आपकी पसंदीदा हो, काली नमक होती है, इसको डाल के भी आप शरबत बना सकते हो जो कि थोड़ा सा तीखा तीखा सा होता है। या फिर आप मीठा वाला भी शरबत बना सकते हो चीनी और नमक मिला के, तो इसको भून के भी आप खा सकते हो, आपकी मर्जी। बट ये वर्सटाइल होने की वजह से सभी इसको खा सकते हैं। और दोस्तों स्पेशली जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए ये बहुत ही सुपर फूड है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी। तो डायबिटिक जो होते हैं वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है और अक्सर उन्हें जो एपिटाइट की प्रॉब्लम होती है ये उसको भी ठीक रखने में मदद करता है। तो दोस्तों ऐसे जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी साबित होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है और साथ साथ ईजी टू अवेलेबल होता है। तो हमें इसको एटलीस्ट डाइट में हमेशा इंक्लूड रखना चाहिए। सबके लिए हेल्दी होता है तो इसीलिए इसको हमेशा अपने किचन में स्टोर रखें। और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।